बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज हम कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 45 में एनवेलप एंड एक्सट्रूड टूल के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ। देखें, एनवेलप टूल यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से एनवेलप टूल को सिलेक्ट करते हैं। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके प्रेजेंट्स में आ जाइए। सबसे पहले सर्कुलर इस तरीके से आपको चाहिए, रेक्टिलाइनर चाहिए, पिंच चाहिए, तो आपको जिस तरीके का इफेक्ट चाहिए वो पहले आप यहाँ से ले लें। ठीक है, ये देखें, तो जो इफेक्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी मैं कंट्रोल जेड से इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आया। अब देखें, यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी से जिस तरह से भी इफेक्ट देना चाहते हैं वो आप इफेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें, जिस तरीके का भी आपने इफेक्ट देना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जब आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोड पर जाऊँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करें सिंगल आर्क मोड तो ये यहाँ से इस तरीके से करेगा आर्क मोड के अंदर, और अगर हम यहाँ से इसको डबल आर्क मोड को सिलेक्ट करें तो ये इस तरीके से करेगा, यानी कि यहाँ से ला के यूँ कर देगा। उसके बाद ये आपको पॉइंट भी देगा, यहाँ से आप इसको मज़ीद जो है वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से डिफरेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से भी यूज़ करना है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बिल्कुल शॉर्ट में आपको टूल्स बता रहा हूँ, उसके बाद जब हम एडवांस क्लासेस में प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मज़ीद डिटेल में बताऊँगा आपको। अब देखें, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया एनवेलप टूल और यहाँ से ये देखें, आप अपनी मर्जी से जिस तरह का भी टेक्स्ट बनाना चाहते हैं आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी की प्रॉपर्टीज़ वही हैं सारी। इसके बाद है आपके पास एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से जब आप एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट में आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ से आप इसको क्लिक कर लें तो ये आपके पास, ये देखें, इस तरीके से ये इफेक्ट बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ से जो आपको इफेक्ट चाहिए वो आप यहाँ से ले लें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर आएँ तो यहाँ पे ये इसके कलर मोड्स हैं, आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और यहाँ से ये 3D मोड आपका, ये इसको कहाँ पे आपने मूव करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से अपने स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने स्टाइल चेंज करना है, बेवल करना है यहाँ से बेवल कर लीजिए, ये देख लें। तो ये आपका कहलाता है एक्सट्रूड टूल। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।